हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो हम देखने के लिए जा रहे हैं, तुम चाहो तो बेसिक मैथ भी बोल सकते हो और बेसिक मैथ का हिस्सा ही है, जैसा कि तुम्हारे सामने नज़र आ रहा है। रूट वाली संख्याओं का गुना हम लोग किस प्रकार से करेंगे, एकदम शुरू से लेकर बेसिक से लेकर थोड़ा सा एडवांस लेवल तक हम चलेंगे। अब ये मेनली बात करें ये कहाँ हमारे रिलेट करता है, तो क्लास नाइन्थ में अगर तुम एक्सरसाइज 1.4 में जाओगे, 1.4 में जाओगे, तो वहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हमारा कैलकुलेशन रूट से रिलेटेड आता है, तो उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में तो हेल्प मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ आगे चलकर तुम्हारा यहाँ से बेस भी मजबूत होने वाला है। अगर ये बातें अगर तुमको नहीं समझ में आती रूट वाली कैलकुलेशन में, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन नहीं समझ में आती है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं, देन डिवीजन को भी हम सेपरेट वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये बिल्कुल सिंपल वाला है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा इस प्रकार के मल्टीप्लीकेशन में, गुना में, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत हो सकता है। तो इस मल्टीप्लीकेशन को कैसे कर सकते हैं, देखो बहुत आसान है, इतना आसान है ना, एक बार अगर तुम समझ पाओ तो आँख बंद करके भी कर लोगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ से गौर से देखना, सिंपल सा रूल होता है हमारे पास। कौन सा सिंपल सा रूल होता है, अगर लिखते हैं रूट ए और इंटू लिखते हैं रूट ए, इसका मतलब होता है कि रूट ए इंटू ए। अब तुमको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि तुम्हारा सबसे पहली बात है रूट के अंदर समान संख्या होनी चाहिए, पहली बात रूट के अंदर बिल्कुल समान संख्या होनी चाहिए, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें देखो रूट टू रूट टू, रूट थ्री रूट थ्री, रूट फाइव रूट फाइव, रूट सिक्स रूट सेवन रूट सेवन, रूट ए रूट ए, रूट बी रूट बी, इसके अलावा रूट थ्री पी रूट थ्री पी, रूट सिक्स एम रूट सिक्स एम, ये अभी इसके लिए जो तरीका हम अभी बता रहे हैं ना, इसके लिए रूट के अंदर समान संख्याओं का होना ज़रूरी है, ठीक है। देन अगर हमको देखना है कि इसके अंदर में, मतलब हम रूट को लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, अगर हमने अंदर में ए रखा है तो पहली बात तो रूट के अंदर में समान संख्या होनी चाहिए, जो कि सब में है, यहाँ पर कोई भी डिफरेंट नहीं है। और दूसरी बात हमको देखना है कि यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए, या यहाँ पर हो भी, उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, अभी इस वाले वीडियो में हम प्रॉपर बात नहीं करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बिल्कुल खाली होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके जो हम बता रहे हैं उस तरह का कैलकुलेशन तुम इजीली कर पाओगे। तो दो बातें हमने बताई, पहले रूट के अंदर इक्वल नंबर यानी समान संख्या होना चाहिए, देन दूसरी बात यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए। तो जितना भी दिख रहा है यहाँ पर प्रश्न, सब के अंदर में रूट के अंदर इक्वल नंबर है, और देन रूट के बाहर जो है ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला ये वाला ये वाला, यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ इस वाले में देखेंगे तो इस वाले में रूट के बाहर भी कोई नंबर नहीं, मतलब बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन है। क्या यही करने से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, इसका हम एडवांस वर्जन भी आगे के इसी वीडियो में देखेंगे आगे किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसको करेंगे कैसे। तो इसको लिखा हमने a इंटू ए, अब a इंटू ए का मतलब क्या है कि एक a बाहर आ जाएगा, कहने का मतलब अगर लिखते हैं रूट b इंटू रूट b, तो ये होगा रूट अंडर b इंटू b, और एक b बाहर निकल के आ जाएगा। अगर हम लिखे रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो इसको लिखेंगे हम थ्री इंटू थ्री, और एक तीन यहाँ से बाहर निकल के आ जाएगा। अब ये बाहर निकल के क्यों आता है, इसका भी रीज़न है, क्यों यहाँ पर हम बात करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा रूट थ्री इंटू रूट थ्री, ठीक है, तो देखो गौर से देखना यहाँ से, तो इसका मतलब हुआ रूट थ्री इंटू रूट थ्री, ये हो गया। अब इसका मतलब है रूट के अंदर में थ्री, और यहाँ पर हो गया पावर दो, यहाँ पर क्या हो गया पावर दो। एक बात समझो, ये वाला पावर देखो यहाँ पर कुछ नहीं रहता है तो यहाँ पर दो रहता है, इस बात को समझो। अगर हम रूट यहाँ पर मानो लिख रहे हैं रूट थ्री, तो इसका मतलब है तीन पर पावर एक, ये यहाँ पर अगर रूट थ्री लिख रहे हैं तो यहाँ पर तो दो है, कुछ नहीं मतलब दो है, तो इसको हम इंडिकेट करते हैं रूट तीन, अगर इसको हटाओ रूट को हटाओ तो यहाँ से हम लिखते हैं तीन पर पावर एक बट्टा दो। इट मीन्स कि ये पावर एक तो है ही हाई ही, और ये बट्टे में दो आ जाएगा नीचे में, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से हम इंडिकेट करते हैं। अब सिंपली हमने किया ऊपर में इस पर पावर दो रखा, तो मतलब यहाँ पर पावर आ जाएगा दो, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना हमारा तीन। तो ये कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन तुमको अभी अगर नहीं समझ रहा है इस ये बात, समझेंगे अच्छी तरह से अगले एक्सरसाइज में,
है ना, जो हमारा 9th का अगला एक्सरसाइज है, यही वाला एक्सरसाइज है, तो वहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। अभी तुम सिर्फ इतना समझो, अगर रूट थ्री इंटू रूट थ्री दे रखा है तो ये लिखेंगे, और डायरेक्ट थ्री या डायरेक्ट भी कर सकते हो, थ्री रूट थ्री इंटू रूट थ्री, रूट बी इंटू रूट बी दिया है तो बी लिख देंगे, रूट ए इंटू ए दिया है तो ए लिख लेंगे। अभी बस इतना समझो, तो यहाँ अगर तुम समझ पाए हो तो आओ हम क्वेश्चन करके देखते हैं। रूट टू इंटू रूट टू को क्या लिख सकते हैं, दो गुने दो लिख सकते हैं, देन ये हमारा हो जाएगा दो। रूट थ्री इंटू थ्री को क्या लिख सकते हैं, तीन गुने तीन लिख सकते हैं, देन ये हो जाएगा तीन। रूट फाइव इंटू फाइव को क्या लिख सकते हैं, रूट फाइव इंटू फाइव लिख सकते हैं, ये हो जाएगा फाइव। रूट सिक्स इंटू सिक्स को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर सिक्स इंटू सिक्स लिख सकते हैं, देन ये हो जाएगा सिक्स। रूट सेवन इंटू सेवन को क्या लिख सकते हैं, सेवन इंटू सेवन लिख सकते हैं रूट के अंदर में, और ये हो जाएगा सेवन। रूट ए इंटू रूट ए को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ए इंटू ए बराबर में हो जाएगा ए। रूट बी इंटू बी को क्या लिख सकते हैं, बी इंटू बी बराबर में हो जाएगा बी। रूट एक्स इंटू एक्स को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर एक्स इंटू एक्स बराबर में हो जाएगा एक्स। रूट एम इंटू एम को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर एम इंटू एम और ये बराबर में होगा एम। इसी तरह से रूट पी इंटू पी बराबर क्या लिख सकते हैं, पी इंटू पी और बराबर में होगा हमारा पी। देखो ईजी है ना, बिल्कुल आसान है, अब तो समझ में आ गया। चलो जी, देन हमारे पास है रूट टू ए इंटू में रूट टू ए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, रूट टू ए इंटू रूट टू ए और एक टू ए यहाँ से बाहर आएगा। फिर है हमारे पास रूट थ्री के इंटू रूट थ्री के, तो रूट थ्री के इंटू रूट थ्री के और एक रूट थ्री के हमारा रूट के बाहर आ जाएगा। रूट फाइव एक्स इंटू रूट फाइव एक्स, तो यहाँ से रूट के अंदर 5x इंटू 5x और एक 5x हमारा रूट से बाहर आ जाएगा। इसी तरह से लिखेंगे तो रूट 6m इंटू 6m, तो रूट अंडर 6m इंटू 6m, एक 6m यहाँ से हमारा बाहर आ जाएगा। रूट 3p इंटू रूट 3p, तो यहाँ से लिखेंगे रूट के अंदर 3p इंटू 3p और एक 3p हमारा रूट के बाहर आ जाएगा। तो देखो काफ़ी आसान हो जाता है हमारा यहाँ पर समझ पाना कि इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखो एक दो क्वेश्चन करते ना तो हो सकता था कोई कन्फ्यूजन रह जाता। अब हमने कितना क्वेश्चन कर लिया, यहाँ पर देखा जाए तो 15 क्वेश्चन है। अब 15 क्वेश्चन में अब तो ये श्योरिटी आ जाता है कि अगर तुम्हारे पास किसी भी तरह का प्रश्न है इसमें से, तो तुम इसको इजिली कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर